तैयारी चल रही है, अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में चल रहे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी चुनाव में अपने दम पे तैयारी करती है, गठबंधन हो ना हो ये बात की स्थिति है। कुछ सीटें बीजेपी ने अनाउंस की हैं, हमारी पहली लिस्ट जो है पहले नवरात्रे, क्योंकि नवरात्रों को शुभ मानते हैं, पहले नवरात्रे पे हमारी भी आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की पहली लिस्ट आ जाएगी। गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हुई क्या राजस्थान में बीजेपी के साथ? निश्चित तौर पर चर्चा हुई भी है, चर्चा आगे भी चलेगी, और किसी तरह की इक्वेशन, क्योंकि एनडीए का हिस्सा जेजेपी है और उस पर सहमति बन जाए, अभी भी इस पर जो है ना इसकी चांसेस हैं, हमें उम्मीद है। कितनी सीटों पर जसपा चुनाव लड़ेगी? हो रही है क्या चुनाव? 25 से 30 सीटों पर जसपा जरूर चुनाव लड़ेगी, जैसी भी परिस्थिति हो, और इतना हक जननायक जनता पार्टी का बनता है वो हमने क्लेम किया है, और उस पर पीछे भी बात हुई आगे। मीटिंग हो रही है, जैसे आज मीटिंग रखी गई है, क्या चुनावी तैयारी इसे माने? दुष्यंत चौटाला जी के विदेश से वापस आने के बाद इस पर दो दौर की चर्चाएं हुई हैं। आज सुबह भी दुष्यंत जी ने हम सबको बुलाया था और उस पर खुल करके चर्चा की। अगले एक या दो दिन के अंदर जो भी गठबंधन को लेकर सारी स्थिति क्लियर होगी। क्या दिग्विजय चौटाला खुद भी चुनाव लड़ेंगे? क्या राजस्थान से चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा या पार्टी की तरफ? मेरी इच्छा पार्टी की सेवा, पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के विचार को जन जन तक पहुँचाना, वो अगर चुनाव लड़ने के माध्यम से होगा, पार्टी कहीं जिम्मेवारी लगाती है तो मैं पहले भी तैयार रहा हूं, आगे भी रहूंगा, बट मेरी इच्छा पार्टी को मजबूत। हरियाणा के चुनाव नज़दीक हैं, राजस्थान के चुनावों का हरियाणा के चुनावों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा तैयारी में? हरियाणा के चुनाव में अभी एक वर्ष बचा है, उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। हमारी लोकसभा की अभी तक जो जो रैलियाँ हुई हैं वो ऐतिहासिक रैलियाँ हुई हैं, मजबूत रैलियाँ हुई हैं, और उनकी चर्चा भी दूर दूर तक गई है। किसी पोलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा जमावड़ा लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर नहीं हुआ जितना जेजेपी का हुआ। सिरों की गिनती अगर आज गिनी जाए तो जेजेपी के पास ज़्यादा है, जेजेपी पक्ष में ज़्यादा है किसी भी अन्य राजनीतिक दल से। 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है, ऐसा है जो 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने डिप्टी सीएम की तवज्जो को तो समझा, डिप्टी सीएम के नाम के पीछे की ताकत और उसके अधिकार को तो समझा, उसकी संवैधानिक पावर को तो समझा। यही भूपेंद्र हुड्डा हैं, दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहते थे कि ये झुंझुना है, ऐसा कोई पद नहीं होता, डिप्टी सीएम की कोई हैसियत नहीं होती, डिप्टी सीएम नाम होता है, ऐसा कोई पद संवैधानिक तौर पर नहीं होता। आज वही भूपेंद्र हुड्डा या तो ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं, या वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिछले 4 साल के काम से इतना घबरा गए हैं कि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक नई पीढ़ी को, मैं एक ही बात कहूँगा कि ऐसे लोग जो हमें जाति पाति के नाम पर बांटने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के बहकावे में कति ना आए। हमारी एक ही जाति है, जिनके बुत के नीचे आज चरणों में हम खड़े हैं। चौधरी देवीलाल जी के एक कहते थे कि मेरी जाति कमेरे की, मेरी लड़ाई लुटेरे से। हमारी कोई जाट की, ब्राह्मण की, बैकवर्ड की, अगड़े की, पिछड़े की, दलित की, इनकी लड़ाई नहीं है। हरियाणा का भाईचारा कायम है। और रही ब्राह्मण समाज की बात, ब्राह्मण समाज को मुख्यमंत्री पद देने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था, खुद सेक्रीफाइस कर हरियाणा बनने पर पंडित भगवतदास शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था। और जितना सम्मान ब्राह्मण देवताओं को चौधरी देवीलाल जी ने, उनकी पॉलिटिकल फ्रंट्स ने दिया, ये इतिहास गवाह है। और आज भी दुष्यंत चौटाला के साथ 36 बिरादरी, हर वर्ग, कमेरा वर्ग, किसान, मजदूर, गरीब, 36 बिरादरी दुष्यंत चौटाला जी के साथ।